तो अनबॉक्सिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बॉक्स, जिसको आपने अनबॉक्स करना है। तो बॉक्स पहुंच चुका हुआ है। उसके बाद आपको चाहिए एक चाकू, जिससे आप इसको काटोगे। टन टन। मिनट तो ये रहा वो माइक। ये है बोया का BYMM1 यूनिवर्सल कार्डियोड माइक्रोफोन। तो इसके मैंने रिव्यू पढ़े, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो अब इसको हम खोलते हैं बॉक्स को, और तो रिटर्न भी है इसका, रिटर्न करा देंगे। ये कुछ तो मेरी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर मैं कुछ इधर उधर कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह का सामान है। ये रहा जो माइक है असली में, ये रहा बोया का माइक। ये है फिल्टर जो एयर वगैरह को रोकता है, उसके लिए जो फ़ोन में लगती है उसका मेन जो, अब क्योंकि आप अपना हेडफोन देखना, उसके अंदर हमेशा ये 3 पॉइंट होते हैं जो हमारे फ़ोन के अंदर लगती है, और ये लगती है माइक के अंदर, ठीक है। तो इसी से मुझे, अब मैं आपको थोड़ा आगे बताता रहता हूँ। और ये इसका पाउच दिया हुआ है, तो पाउच अच्छा है लग तो रहा है, अच्छा पता नहीं है। तो अभी तो आपने जितनी भी ऑडियो सुनी है मेरी, ये सारी थी किसमें, ये सारी थी जो फ़ोन का अपना माइक होता है बिल्ट इन। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं इंस्टॉल, बोया के माइक से आवाज़ सुनते हैं कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। सो लेट्स गो। और ये स्टैंड है जो कि अभी वीडियो में लगा नहीं, क्योंकि वीडियो में ज़रूर इसने बेइज्जती करानी होती है, तो उसने करा ही दी है मेरी, तो कोई बात नहीं। जब मैं लगाऊंगा आगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं स्टैंड बोल रहा था, ये इस तरह से लगता है जैसे कि आपको दिख रहा हो, पास से दिखा देता हूँ। फिल्टर हटाने के जो आगे साउंड फिल्टर है वो हटाने के बाद भी दिखा, तो ये रहा कुछ इस तरह का दिखेगा। हेलो एंड व्हाट्स अप वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोरर फुकरे। माय नेम इज कनव एंड नमस्कार जी। तो ये जो आज की वीडियो है, ये ना तो ट्रैवल पे है और ना हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो ये जो आज की वीडियो है, जो मैं गेयर्स यूज़ करता हूँ, तो उसका रिव्यू है ये। तो रिसेंटली मैंने अभी बोया का MM1 माइक लिया हुआ है, तो आज हम उसका रिव्यू करेंगे। तो आज का जो रिव्यू है ये बोया का MM1 माइक का है, माइक टेस्टिंग हो रही है। तो अभी ये जो मेरा माइक से ही व्लॉग चल रहा है, तो व्लॉग में अभी माइक फुल वॉल्यूम में है। तो अब मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा कि माइक में कैसी कैसी आवाज़ आती है, और ये देखते देखते नीचे उतर के वहाँ से। तो अब आपको अलग अलग तरह की साउंड सुनाता हूँ। अभी ये तो मैं बिल्कुल पास था व्लॉग में, तो ऐसी आवाज़ आई, ठीक है। तो हम करेंगे क्या क्या इस वीडियो में, एम्बिएंट साउंड सुनेंगे। एम्बिएंट साउंड होती है कि जब आप कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या साउंड कैच करता है माइक वो, उसके बाद दूर से कैसे कैच करता है मेरा माइक आवाज़ वो, और इसके बाद और क्या करेंगे, हाँ, और बाइक लेके निकलूँगा, देखते हैं उस टाइम कैसी आवाज़ करता है। तो करते हैं रिव्यू स्टार्ट, लेट्स गो। तो जो माइक है आपको दिख रहा होगा, मेरे से काफ़ी दूर है, लगभग मैं कह सकता हूँ रोड का जितना डिस्टेंस होता है, ये 9 फीट तक का होगा। तो अभी यहाँ से कैसी आवाज़ आ रही है मुझे तो नहीं पता। तो ये बोया का माइक लगा हुआ है, तो ये फुल वॉल्यूम में है। तो अब आप सुन लीजिए कैसी आवाज़ आ रही है आपको मेरी इतनी दूर से। और इसके बाद अब बाइक वाली साउंड चेक करेंगे, बाइक के ऊपर बाइक चलाते हुए हाथ में पकड़ के व्लॉग करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसी साउंड आती है। तो लेट्स गो। हाँ, तो अब बाइक स्पीड है 30+, तो अब आप देख लीजिए कैसी साउंड आ रही है, और ये लगभग 40 के पास। तो आई होप कि आवाज़ क्लियर आ रही हो, तो माइक का काम अच्छा लगेगा मुझे भी। मैंने खुद भी चेक नहीं किया हुआ है, आपके सामने ही चेक किया जा रहा है, ऐसे नॉर्मल व्लॉग में चेक किया हुआ है। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हो, ये आ रही है फ़ोन के अपने माइक से, तो वॉल्यूम अभी भी फुल है। तो अब आप थोड़ा सा चेक, आप लोगों को भी फ़र्क पता लगेगा, मुझे पता लगेगा जब मैं एडिटिंग करूँगा। तो अभी जो साउंड आ रही है आपको, आ रही है मेरे फ़ोन से, तो इस तरह की आवाज़ आ रही है कुछ। तो इसके बाद चेक करते हैं दूर से कैसा साउंड करता है हमारा जो अपना फ़ोन का माइक होता है। लेट्स गो। तो अब एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे है माइक, जिस टाइम पहले रखा था 9 फीट ही रोड के पार।
तो अब कैसी साउंड आ रही है आप लोगों को, वो आप लोगों ने ही चेक करना है, मुझे तो घर जाके पता लगेगा। तो जो अभी की साउंड आ रही है आपको, वो आ रही है जो फ़ोन का अपना इंटरनल माइक है, ठीक है। तो बाइक पे चेक करते हैं, लेट्स गो। तो ये बिना माइक के फ़ोन के अपने माइक से जब बाइक थोड़ी सी तेज़ चले तो इस तरह से कुछ साउंड आती है। तो अब आपको पता लग गया होगा कैसी साउंड आ रही है। तो बैक चलते हैं, और यार यहाँ पे मुझे व्लॉग करना चाहिए था। व्लॉग की स्टार्टिंग अब यहाँ से करते हैं क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत सही है यार। ये देखो जैसे कि ये रहे फूल वगैरह, और ये जगह का नाम जहाँ पे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ओ सॉरी उल्टा पकड़ा हुआ है, तो उसका नाम है अपर ठट्ठर। ये रहा यहाँ से 1 किलोमीटर। तो अभी बैग वापिस चलते हैं, वहाँ पर कैमरा वगैरह बैग पड़ा हुआ है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। तो मिलते हैं आपको किसी अच्छे से व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और ये मेरा जो टेक वाला रिव्यू था ये अच्छा लगा, और आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियोस बनाऊं, तो जो भी मैं गेयर्स यूज़ करता हूँ वो सारे बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो मैंने ठीक बनाई। टेक रिव्यू था, पहला ही था मेरा, तो मुझे बताना ठीक बनाई। अगर बनाई तो लाइक कर देना। तो टिल देन आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और कोरोना में घर रहिए। बाय बाय, लेट्स गो। Like a bird on a tree, I'm just sitting here.